प्लांट है ना दोस्तों, उत्तर भारत का सबसे अत्याधुनिक प्लांट है। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा खेती की एक नई तकनीक, मतलब एक नए लेवल की फार्मिंग। इस वीडियो के अंदर आप इस प्लांट को देखोगे तो आप देख के दंग रह जाओगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान, हमारे किसान चैनल पर। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जयनारायण यादव है जी। फार्म में देख रेख कर रहा हूँ, ये बटन मशरूम फार्म है। अभी लगभग कितना उत्पादन निकल रहा है आपके इस फार्म से? इस फार्म से 4 क्विंटल 5 क्विंटल के आसपास पर डे के साथ। टारगेट कितना है आपका? टारगेट पर डे 10 क्विंटल का। 10 क्विंटल पर डे के हिसाब से अभी रेट क्या चल रहा है बाजार में? अभी 130 से 140 रुपए किलो थोक का रेट चल रहा है जी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से, क्योंकि इस फार्म की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, इसी प्लेटफॉर्म से होती है। और फिर आपको बारी बारी दिखाया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होने के बाद जो आप मशरूम अपने घरों के अंदर बनाते हो वो किस तरह से आपकी थालियों के अंदर पहुंचती है। इस प्लांट की शुरुआत इस प्लेटफार्म से होती है। इस पे सबसे पहले डालते हैं रीपर का भूसा, उसको अच्छी तरह से भिगोया जाता है जी 24 घंटे पानी से। उसको भिगोने के बाद में उसका आधा यानी 80 क्विंटल है तो 40 क्विंटल उसमें मुर्गी का खाद डालते हैं। अच्छा, ये मिलाने के बाद फिर उसके ऊपर पानी डालते हैं जी, उसको फिर भिगोते हैं। फिर उसको भिगोने के बाद में चैम्बर ने एक में डाला जाता है उसको। चैम्बर ये जो टिन शेड बना रखा है, टिन शेड बना रखा है, चैम्बर एक में, ये चैम्बर एक में। इसके बाद में फिर इसको 24 घंटा इसमें रखते हैं जी। हाँ। इस चैम्बर के अंदर भी आप लोगों को एक वैज्ञानिक विधि दिखाई देगी। ये ऐसा वैसा चैम्बर नहीं है कि आपने बस जो दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर डाल दिया निकाले, नहीं, इसके अंदर आप बताइए। ब्लोअर से हवा दी जाएगी इसके अंदर, इसके नीचे है ना, इसके बेसमेंट के अंदर ब्लोअर लगा हुआ है। और ब्लोअर से देखिए इसके अंदर ये छेद है ना, पाइप लगी हुई ब्लोअर, ये सभी जो छेद है ना इनके अंदर से ब्लोअर से नीचे से फिर हवा दी जाती है। उसके अंदर जो भूसा पड़ा हुआ होता है ना, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। कितना टेम्परेचर चाहिए इसको? 80 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाते। फिर उसके बाद इस चैम्बर से निकाल के अगले चैम्बर में। अच्छा, इसमें 4 पलटी लगती है। अब उन खुले चैम्बरों में से निकाल के भूसे को और जो वो कंपोस्ट बन चुका है, 6 दिन वहां पे चलेगा? 6 दिन वहां चलेगा, 6 दिन उन चैम्बरों में रहेगा। उसके बाद निकाल के फिर इसको बंद चैम्बर के अंदर लेके आया जाएगा ना। दिखाइए भाई, आइए, इसमें भी इससे ज्यादा मोटे होल है इसके अंदर, दिखाइए, देखिए टेक्नोलॉजी डला हुआ है, नीचे से खुला है। इसके अंदर भी वही नीचे से ब्लोअर चलेंगे, लेकिन वहां पे जो पहले वाले चैम्बर थे उनमें थे थोड़े छोटे सुराख थे, छोटे होल थे, लेकिन इनके अंदर बड़े होल है। यहाँ पर ब्लोअर की हवा है और ज्यादा आएगी इसमें, है ना। हाँ, इसमें 8 दिन कंटिन्यू चलेगा ब्लोअर। इसके अंदर वो सभी प्रक्रिया चालू है, वही कंपोस्ट है ना, जो भूसा है वो इसके अंदर अभी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। 8 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा बीज डालने के लिए। फिर इस मशीन के अंदर उस कंपोस्ट को, उस भूसे को, जो भूसा कंपोस्ट बन चुका है, इसमें तो डाला जाएगा कंपोस्ट इस हिस्से में, इस मशीन के में। और आइए देख, दिखाई दे। इसके अंदर यहाँ पे फिर बीज डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा उसी हिसाब से, बीज इसका मेंटेन करके और नीचे पन्नी भरी जाएगी, कंपोस्ट वहां से आता रहेगा इस कन्वेयर पे। इसके अंदर बीज रहेगा, पीछे से कंपोस्ट आएगा, कंपोस्ट और बीज मिलके नीचे आएगा। यह बोरा भर के 10 किलो का जी, 10, 9.5 किलो, 10 किलो का, 10 किलो उसके अंदर 10 किलो जो पोलिथीन होगी उसके अंदर कंपोस्ट आएगा, कंपोस्ट होगा, कंपोस्ट के अंदर ही बीज होगा मशरूम। ये जो मशीन है ना वो इन दोनों को, कंपोस्ट को और बीज को, दोनों को मिलाएगी, मिलाकर बोरा भर दे। हाँ, पहले क्या होता था, जो मैनुअल होते हैं ना प्लांट, उनके अंदर खुद ही इंसान है या मजदूरों से वो मिलवाया जाता है बीज को और कंपोस्ट को हाथों से, उसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इस प्लांट के अंदर जितने भी काम है ना वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फिर इससे आगे क्या होता है? इसके बाद में भरने के बाद में फेज टू में चला जाए, फेज टू में चलता है। अब चलते हैं दोस्तों फेज टू के अंदर और फिर वहां पे देखते हैं अपन जो मशरूम तैयार हो रही है इस टाइम पर। आइए। हाँ भाई, ये फेज टू है, ये बड़ा, ये रूम तैयार हो रहा है बैग रखने के लिए, ये नया रूम तैयार हो रहा है। हाँ। इसमें कितने रूम है इसका? 8 रूम है इसका, 8 रूम है। अभी एक रूम की लंबाई 47 फुट है, थोड़ा 21 फुट है। अभी रनिंग में कितने? रनिंग में तो अभी 6 रूम चल रहे हैं, 6 रूम में उत्पादन जारी है। ये नया रूम अभी स्टार्टिंग होने के लिए तैयारी पे है। चलिए अंदर दिखाते हैं अभी आप लोगों को, ये इसके अंदर ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ये सभी, ये AC जो लग रही है उनके पैनल है, सारा टोटल एयर कंडीशनर से। हाँ। चलित है ना इस टाइम में, क्योंकि बाहर अगर अपन देखो तो बाहर का जो टेम्परेचर इस टाइम पर 45 डिग्री है, लेकिन अंदर है ना वो टेम्परेचर मेंटेन 17-18 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है एयर कंडीशनर से।
और उस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर मशरूम की फार्मिंग हो रखी है। आइए दिखाते हैं, कोई कीटाणु वगैरह ना जाए, कोई जर्म्स नहीं जाए, इसलिए आप पैरों में या जूतों में जैसे भी आप अंदर जा रहे हो तो इसमें तो ये बाहर यहाँ पे ये डाल रखा पाउडर, उस पर आप पैर रखिए फिर अंदर जाइए ना। चलिए खोलिए, आइए भाई अंदर दिखाते हैं। ये फेस वन से बीज डलने के बाद में फेस टू में शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर, जो वहाँ पे जो मशीन थी कंपोस्ट की और बीज जो मिक्स करने की थी वहाँ से निकलने के बाद और इन पैकेटों में वो जो कंपोस्ट था और बीज था वो डालकर यहाँ पे रखा गया। मतलब मशरूम उत्पादन की पहली प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है, यहाँ से चालू। अभी कितने दिन के अंदर ये जर्मिनेट हो जाएगा बीज? ये बीज जर्मिनेट हो रहा है अभी, इसके अंदर कैसे पता चलेगा जर्मिनेट हो रहा है? ये बदलने लग रहा है, वाइट वाइट हो रहा है। अच्छा, ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं पॉलिथीन के अंदर से, अंदर से देखो ये बढ़ने लग रहा है। दिखाना भाई, देखो देखो ये जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है ना, वाइट वाइट, ये आप लोगों को बीज जर्मिनेट हो रहा है, ये बीज जर्मिनेट हो रहा है इस टाइम। फिर आप इनको कब खोलोगे ऊपर से? ये अभी इसके मैं कोकपीट और गाय के गोबर की लेयर की इसके ऊपर आधा इंच डालेगी, उसके बाद में इन पन्नियों को काट दिया जाएगा। अभी इन पन्नियों के ऊपर ना ये जो पॉलिथीन है ऊपर से खोल के इनके ऊपर कोकोपीट और जो गाय का गोबर होता है उसको मिक्स करके, जो कंपोस्ट होता है जो बाहर वहाँ फेस वन के पास इन लोगों ने डाल रखा ना, उनको मिक्स करके और फिर ऊपर इन पे डाल लेयर लगाई जाए, लेयर डाल दी जाए, फिर इस पे पानी डाला जाएगा। एक नए रूम में आओ, इस रूम के अंदर ये जो पॉलिथीन है ऊपर से काट दी गई है और इनके ऊपर गाय का गोबर और कोकोपीट, कोकोपीट उसकी एक लेयर है ना वो इनके ऊपर चढ़ा दी गई है, पानी इनके ऊपर छोड़ दिया गया ना, पानी लगा दिया गया आधा इंच डालने के बाद पानी छोड़ दिया। अब इसके अंदर से कब निकल के आएगी बाहर? अब ये चालू हो गए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्पादन है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ये लगभग कितने दिन हो गए इनको रखे हुए यहाँ पे? इसको 20 दिन हो गए। अच्छा, 20 दिन के बाद इनके अंदर से ये देखिए ये निकलने लग गई, स्टार्टिंग हो चुकी है, ये मशरूम की स्टार्टिंग हो गई। अभी कितने दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी? अभी 4 से 5 दिन के बीच में तुड़ाई चालू हो जाएगी। देखिए देखिए ये देखिए 4 से 5 दिन के बाद इसकी तुड़ाई चालू हो जाएगी, हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी लगातार। फिर कितने दिन तुड़ाई करोगे? ये 25-30 दिन चलेगी लगातार, 25-30 दिन। इसमें कितने बोरे लगा रखे हैं? इसमें है 3200 बोरे हैं, इसमें एक रूम में 3200 बोरे हैं। हाँ। अच्छा, एक बोरे से कितना उत्पादन लिया जा सकता है? एक बस 2 किलो 2.5 किलो एक बोरा, एक बोरे से एक साल के अंदर कितने बार इसके अंदर उत्पादन लिया जा सकता है? एक रूम से 6 फसल ली जाए एक साल में। ये पैकिंग रूम है, ये पैकिंग रूम है। तो यहाँ पे ये हार्वेस्टिंग हो रही है, बाहर से हार्वेस्टिंग कर 200 ग्राम की पैकिंग हो रही है। हाँ। फिर इसके ऊपर वो लगा दिया जाएगा। हाँ, पेटी पैक पॉलिथीन ऊपर से एकदम नहीं, पन्नी लग रही है ना वो मशीन लगा रही है। एक दिन में एक जो महिला लगी हुई है वो लगभग कितना माल तैयार कर देती है? एक लेडीज कम से कम 15-20 किलो मशरूम तोड़ दे। 15-20 किलो मशरूम एक लेडीज तोड़ दे, मतलब उसकी हार्वेस्टिंग कर देती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पैकिंग वगैरह वो दूसरी लेडीज करती हैं। चलो, कोई बटन मशरूम यहाँ से खरीदना चाहे तो वो ले सकता है? हाँ ले सकता है, जो मंडी रेट प्राइस है उसी रेट पर। जी जी, ये जो रूम है वो संक्रमण मुक्त किया गया है, इसके अंदर पहले से एक फसल ले ली? हाँ, एक फसल ले ली, दोबारा इसको संक्रमण मुक्त किया गया। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसके ऊपर ये फिर ये लेयर लगाई गई तार की है ना, तार की, इनके ऊपर बैग रखे। कितना कितना वजन झेल जाते हैं तार? ये एक एक खाने में ये 5x4 का है, इसमें 80-90 किलो एक पे आ जाता है, एक पे आ जाता है। जो कोकपीट है उसको भिगो के उस खेल के अंदर और उसका जो रस है पीड़ा निकल जाता है उसको निकाल के और गोबर का खाद, ये जो पड़ा है गोबर का खाद, गाय का गोबर, गाय का गोबर जो बिल्कुल एकदम, आप कहाँ से? गौशाला से? गौशाला से। अच्छा, वो और ये कोकोपीट। हाँ, इसको मिक्सर करा जाता है, मिक्स किया जाता है और फिर उन इनको इसको उसके ऊपर लेयर लगाई जाती है आधा इंच की, आधा इंच की जो लेयर है वो वहाँ पे लगा, जब तक कंपोस्ट पे इसकी लेयर नहीं लगेगी इसमें मशरूम पैदा नहीं होगा। जी, तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो ये वीडियो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।